हाय दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं YouTube शॉर्ट फॉर्म के बारे में और YouTube के नियम के बारे में, शॉर्ट नियम के बारे में शॉर्ट वीडियोज के लिए। तो वीडियो अपलोड करने के एलिजिबिलिटी के बारे में बात करेंगे, कितने दिनों पर वीडियो अपलोड कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे, कौन कौन देश के लोग वीडियो को अपलोड करने वाले हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं, और कितने साल के लोग अपलोड कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। मेरा नाम अमित है और आप देख रहे हैं रियल पेट टेक्नोलॉजी चैनल को। YouTube शॉर्ट फंड के बारे में YouTube ने कहा कि $100 million वो पैसा रिवार्ड देगा YouTube शॉर्ट्स वीडियो बनाने वाले को। तो उसमें 1000 क्रिएटर्स को हर मंथ सेलेक्ट करेगा और उसको मैसेज करेगा, जो क्वालिफाई होंगे उन्हें मैसेज करेगा और उन्हें ये देने वाला है पैसे। तो उसमें क्या क्या क्राइटेरिया है वो देखते हैं। पहला नंबर पर आता है चैनल को 180 दिन, कम से कम 180 दिन में एक वीडियो जरूर अपलोड कर देना है। आप तो मतलब कि रोजाना भी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, हर घंटे में वीडियो अपलोड कर सकते हैं, पर कम से कम 180 दिन में एक वीडियो अपलोड होना चाहिए, उससे अधिक दिन नहीं। या कि आज वीडियो अपलोड किए फिर 8 महीने बाद वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली वीडियो अपलोड कीजिए, हॉर्ली वीडियो अपलोड कीजिए, वो आप पर है। 180 दिन के अंदर में ही वीडियो अपलोड करना है, 180 दिन के बाद वीडियो अपलोड कीजिएगा तो वो चैनल पर पैसा के लिए कोई पॉलिसी नहीं है सर। फिर दूसरा आता है चैनल को यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करना है, कॉपीराइट रूल्स को पालन करना है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी के रूल्स को पालन करना है। तो ये सब के पालन करेंगे तभी आपको पैसे मिलेंगे। तीसरा आता है चैनल अपलोडिंग वीडियो में वाटरमार्क्स और लोगोज किसी थर्ड पार्टी सोशल मीडिया का नहीं होना चाहिए, या फिर कोई नॉन ओरिजिनल वीडियो है जैसे कि आपका टीवी का हो या मूवीज का, उसका अनएडिटेड क्लिप्स डालना है। मतलब कि उसका अनएडिटेड क्लिप्स जो है उसको नहीं डालना है, वो नॉन एलिजिबल आ जाएगा, वो एलिजिबल नहीं होगा। उसको एडिट कर दीजिएगा तो वो एलिजिबल रहेगा। और इसमें जो तीसरा पॉइंट है कि जो वीडियो है किसी दूसरे चैनल का रीअपलोड नहीं करना है, उस पर आपको कॉपीराइट आ सकता है। चौथा बात, किस देश के लोग इस वीडियो को अपलोड कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियो अपलोड कर सकते हैं तो उन्हें पैसा मिलेगा, उसमें 10 देश आते हैं। एक है ब्राजील, दूसरा है जापान, तीसरा रसिया है, चौथा है यूके, पांचवा है इंडिया, मेक्सिको है छठवें नंबर पर, सातवां नंबर पर अब साउथ अफ्रीका है, आठवां नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट्स, नाइन्थ नंबर पर है इंडोनेशिया और टेंथ पर है नाइजीरिया। इन 10 देशों के लोग डालेंगे शॉर्ट वीडियो तो उनको पैसे मिलेंगे। अब बारी आता है कितने पैसे मिलेंगे या क्या नियम और है। तो इसमें अगला नियम है पांचवा नंबर कि आपको क्रिएटर जो है वो 13 साल का होगा या उससे बड़ा होगा अमेरिका के में, और जितने देश है 9 देश उसमें बताया गया है कि क्रिएटर जो मेजोरिटी है उस देश का, जो मेजर माना जाता है उस देश में, उसके नियम से वहाँ क्रिएटर होना चाहिए। और इसमें एक और बात बोला है यूट्यूब शॉर्ट्स वाले ने कि आगे भी कुछ देश को बढ़ाया जाएगा, तो देश को बढ़ाया जाएगा। फिर छठा नंबर पर आता है कि जो 13 साल से 18 साल के बच्चे हैं जी, उनको उनके गार्जियन का एक्सेप्ट होना चाहिए, उसके गार्जियन के माता पिता या अभिभावक का टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, और पेमेंट एडसेंस में उनके माता पिता का ही होना चाहिए, बाकी उस अकाउंट से पहले से कोई एडसेंस अकाउंट नहीं होना चाहिए। इसके बारे में यूट्यूब शॉर्ट्स ने बताया है। आगे चलते हैं और देखते हैं कि अब इसमें पैसे कितने दिनों पर मिलेंगे और कैसे आप जानेंगे कि आप क्वालिफाई हैं शॉर्ट्स फंड के लिए। और तीसरा क्वेश्चन है कि पैसे कितने मिलेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें है कि जो वीडियो का पैसे मिलेंगे वो मंथली परफॉर्मेंस मिलेंगे। आपने वीडियो अपलोड किया है पहले से या अभी भी, तो एक मंथ का परफॉर्मेंस देखकर कितना व्यू गया उसके अनुसार आपको मैसेज आएगा क्वालिफाई है कि नहीं क्वालिफाई है। और फिर दूसरा क्वेश्चन है कि आप कैसे जानेंगे कि आप क्वालिफाई हैं, तो आपके
ईमेल अकाउंट पर या आपके नोटिफिकेशन में मैसेज आने वाला है हर मंथ के फर्स्ट वीक में 5-6 तारीख तक, और उस ईमेल को आप देख लेना है आपको 25 तारीख से पहले, और आपको अपने बोनस अकाउंट का आपको बोनस का क्लेम कर लेना है कितना पैसा आपको मिला है, नहीं तो उसके बाद 25 तारीख के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। अच्छा, और एक और बात बोला है, अगर आपको बोनस का जो ईमेल है वो आपको नहीं मिल पा रहा है, मिसिंग दिख रहा है, ऐसा यूट्यूब बोला है कि आप पहले अपना चेक कर लीजिए स्पैम फोल्डर में, वहां पर भी आ सकता है। और तीसरा बात, पैसे कितने मिलेंगे, तो यूट्यूब ने बोला है कि पैसे $100 से लेकर $10,000 तक प्रति महीने मिलेंगे उसके वीडियो के परफॉर्मेंस के अनुसार। तो आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें कि आपको क्या प्रॉब्लम है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस ये वीडियो देखने के लिए, जय हिंद।